सो ज वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्मार्ट वॉचिस सजेस्ट करने वाला हूँ जो आप अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या फिर पिग बिलियन डेज में जो है वो खरीद सकते हो जिस जिसपे अच्छी ऑफर दी जा रही है और जो स्मार्ट वॉच जो है वो खरीदने लायक है यानी कि बेरी फॉर मनी प्रोडक्ट है वही मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ क्विकली सजेस्ट करने वाला हूँ इन सभी uh, जो वॉचेज है उनकी लोएस्ट बाइक लिंक भी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं हायर प्राइस से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है मैं बजट प्राइस तक जाऊंगा बहुत डिटेल uh, में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वीडियो काफी शॉर्ट रखना है एंड uh, सात आठ प्रोडक्ट है तो काफी जल्दी जो है मैं कवर अप करूंगा तो सबसे पहली डील है सैमसंग गैलेक्सी वॉट सिक्स इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट जो है फ्लिपकार्ट ऑफर किया जा रहा है एंड आई थिंक मैंने इससे कम प्राइस में मैं इस वॉच को कभी इससे पहले नहीं देखा एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज अगर आपके पास बैंक डिस्काउंट लगाओ तो और भी सस्ते प्राइस पे जो है खरीदने के लिए मिल जाएंगे तो आपको एक ट्रू स्मार्ट वॉच चाहिए एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ देन डेफिनेटली आपको जो है खरीदना चाहिए वॉच सेवन ऑलरेडी मार्केट में है बट इस बार सेल में कुछ ज्यादा डिस्काउंट जो उस पर नहीं है नहीं लगता जितना price different है तो इससे बेटर में नहीं मिलेगी काफी कम प्राइस में मिल रही है तो ये मस्ट uh, है आप इसे कह सकते हो एंड जब स्मार्ट वॉच की बात आती है तो गैलेक्सी वॉच सिक्स जो है उसका एक अलग ही लेवल है काफी इवन आपको उस डिबेट में नहीं जाऊँगा बट बर... Uh, काफी फिटनेस फीचर ऐसे हैं जो एप्पल वॉच से भी इसमें बेटर है एंड और बेटर जगह टाइम टू टाइम ये होते जा रहे हैं तो अगर आप एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच यूजर है तो डेफिनेटली अगर आपको कोई स्मार्ट वॉच चाहिए तो आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच सिक्स पे ही जाना चाहिए जा, जा, वॉच सेवन है बट अभी के लिए मैं मानता हूँ कि वॉच सिक्स जो है वो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील है एंड इस सेल में आपको जो है इसको खरीदना चाहिए इसकी दो दो आपको साइज मिल जाती है बट वन पॉइंट थर्टी वन इंच वाला जो वेरियंट है उसमें अभी कोई ज्यादा डिस्काउंट नहीं है तो बस थोड़ा सा बिग साइज है बट वो सही है तो ये डील आप डेफिनेटली मिस ना करें आ, फीचर के वाइज फीचर्स के बारे में बात करने की जो मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको पता ही हो अगर बात करने का तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर आपको एक्यूरेट स्मार्ट वॉच चाहिए एक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए दैन डेफिनेटली जो है आपको इसको जो वो ख़रीदना चाहिए इसके अलावा सैमसंग गलेक्सी वॉच के अलावा गूगल पिक्सल वॉच जो है वो एक अनदर बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच का जाता है लोग गूगल पिक्सल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल बट मुझे अभी भी सैमसंग गलेक्सी वॉच ही ज्यादा अच्छी जो है वो एंड्रॉयड वॉच में लगती है बट फिर भी अगर आपको प्योर पिक्सल खरीदना चाहिए, चाहिए खरीद बट गूगल पिक्सल भी अच्छा ऑप्शन है वॉच थ्री आ चुका है बट अगेन इस सेल्स में उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है थोड़ा बहुत डिस्काउंट है बैंक का मिल सकता है तो अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं तो दे वो ले सकते बट मेरे हिसाब से ये काफी वेली फॉर मनी डील जो है वॉच टू में काफी अच्छी डील है उन्नीस हजार अगर सत्रह हजार रुपए के आसपास में काफी अच्छी डील है तो आप डेफिनेटली इसको भी देखो ये काफी अच्छी डील है वो खरीदना चाहिए आपको इसके अलावा सैमसंग वॉच फोर आ, दो सेल से मैं इसको जो रिकमेंड करता रहा हूँ बट आई थिंक मुझे नहीं लगता अंडर टेन थाउजेंड रुपीज इससे बेटर वॉच अभी भी आपको मिल सकती है इससे बेटर मतलब समझ लो कि अगर आपको ट्रू स्मार्ट वॉच देखनी हो वो तीन चार हजार रुपये के खिलौने नहीं चाहिए आपको देन ट्रू स्मार्ट वॉच चाहिए तो यही लास्ट ऑप्शन जो है वो रहता है इससे नीचे आई थिंक कोई एंड्रॉइड वॉच जो है मार्केट में नहीं है व्यवरोस वाली जो वॉच मार्केट में तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच फोर आप डेफिनेटली देखिए इस सेल में भी सात हजार रुपए के आसपास मिल जाती है पिछले सेल में भी आई थिंक यही प्राइस के आसपास जो है ये आती थी तो अभी भी ये है इसी प्राइस पे तो आप इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली ले सकते हो पिछली बार काफी लोगों ने खरीदा था इसे मैंने भी खरीदा था उस सेल में तो आप अभी भी इसे देख सकते हो पुरानी है बट अभी भी इस प्राइस सेगमेंट में जो है ये बेस्ट है तो आप इसे जो है टेफनेटली करेगा अभी भी इसमें अपडेट वगैरह जो आते है आते हैं नेक्स्ट है एम एस फिट एक्टिव एज अगर आपको एक स्पोर्ट लुक के साथ स्मार्ट वॉच चाहिए देन आप इसे जो है वो कंसिडर कर सकते हो जेपोज uh, के साथ आता है इसमें बहुत सारे फिटनेस एंड स्पोर्ट रिलेटेड फीचर्स आपको मिलते हैं जो आई थिंक शायद ही कोई और बजट स्मार्ट वॉच जो है वो ऑफर करती है इवन प्रीमियम स्मार्ट वॉच में भी आपको वो सारे ऑप्शन नहीं मिलता इसकी जो जी है उसकी एक्यूरेसी अच्छी है प्लस काफी सारा ट्रैकिंग रिलेटेड एंड दूसरे ऑप्शन जो आपको इसके अंदर मिल एंड नो डाउट अगर बजट स्मार्ट वॉच की बात करें तो एम एस फिट से बेटर एक्यूरेसी वाला फीचर नहीं, और नहीं मिलेंगे तो अगेन आपकी जो मेन uh, प्रायोरिटी जो आपकी हाँ ये है कि आपको सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग या फिर स्पोर्ट एक्टिविटी ट्रैकिंग वगैरह के लिए जो fit, uh, या फिर एमएस फिट की कोई भी आप वॉच देख लो स्मार्ट वॉच बजट में तो वो बेटर ऑप्शन है तो ये वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है तो आप इसे जो खरीद पाओगे इसके अलावा एम एक्टिव करके एक मॉडल है आ, इस पर भी अच्छा डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक वाला है बाकी आ, इसमें भी आपको जे वॉयस मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह जीपीस वगैरह सेम ही है इनफैक्ट यू भी काफी जो है वो सिमिलर ही है क्योंकि जे ऑस है तो वही सारे फीचर्स आपको इसके अंदर भी मिल जाते हैं इसमें थोड़ी सी बैटरी बैकअप आपको जो है वो अच्छी मिलती है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ये वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन है मेरा एंड इसके अलावा है एम एस पिक बी फाइव यूनिटी ये अपडेट होकर जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है इस पर है क्योंकि आई थिंक फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइव थाउजेंड रुपी के आसपास तो इसकी प्राइस हमेशा रहती है तो ये अंडर फाइव थाउज़ेंड रुपीज़ जो है एक अच्छा ऑप्शन अगर आपको बजट में ही खरीदना है तो मैं कहूँगा कि आप इसे ही खरीदें इस पर बेसिक सारे ऑप्शन जो है आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जी पी एस वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलता है तो ये एक है बाकी इसके बाद है सी एम एफ बाई नथिंग वॉच प्रो टू रिसेंटली ही ये बोल जो है मार्केट में लॉन्च हुई है एंड इस बार फ्लिपकार्ट जो इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये भी एक वर्थ इट डील है आप इसे देख सकते हो एक्यूरेसी uh, के मामले में ये एक डिसेंट वॉच है एमेसफिट जितने एक्यूरेट फीचर उसमें नहीं है इस वॉच में बट धीरे धीरे ये काफ़ी इम्प्रूव हो रही है एंड जो दूसरी बजट स्मार्ट वॉच जिस बोर्ड ये नॉइस वगैरह उससे तो काफी बेटर ऑप्शन है लुकवाइज भी काफी अच्छी है एंड कहीं पर भी वॉच में लैग वगैरह नहीं है क्योंकि यू काफ़ी ऑप्टिमाइज uh, है इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है वॉच का एंड ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है जीपीएस भी डिसेंटली जो है इसमें वर्क करता है थोड़ा सा स्लो है बट प्राइस uh, के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको जीपीएस भी मिल रहा है तो अच्छी वॉच है डेफिनेटली अगर आपको कम बजट में uh, एक ऐसी वॉच चाहिए जो स्टाइल के साथ साथ आपको जीम वगैरह या फिर स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह भी सही से ट्रैक कर सी एम एम बाई नथिंग वॉच बो डेफिनेटली आपको जो वो खरीदना चाहिए अच्छा ऑप्शन है इस सेल में आप इसे खरीद सकते हो तो रियलमी वॉच एस टू Uh, मैं इसे सी एम से आगे रख सकता था बट इस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट जो इस बार नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये बेस्ट सेलिंग वॉच है तो ये भी सिमिलर फीचर्स जो ऑफर करती है इसका लुक काफ़ी अच्छा है बिल्ड काफ़ी अच्छी है मेटल बिल आपको इसके अंदर मिलती है प्लस वही सिम जी पी एस ब्लूटूथ कोडिंग वगैरह सारे फीचर्स बेसिक है वो आपको सारे इसके अंदर जो मिल जाते हैं एंड जो एडवांटेज इसका वो है कि इसमें डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छी प्रीवियस वर्जन में भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी थी इसकी भी डिस्प्ले अच्छी है एंड रियल मिनिंग ऐप से जो है कनेक्ट हो जाती है एंड सारे फीचर्स मिलते हैं तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है बजट वॉच में इसके बाद रेडमी वॉच फाइव एक्टिव इसे इस आप एक फिटनेस बैंड ही कह रहे हो वैसे तो बजट में सारे फिटनेस बैंड ही होते हैं वॉच नहीं होती बट हाँ ये इस अगर आपको कम प्राइस में एक ऐसी वॉच है मतलब आपकी फिटनेस ट्रैकिंग या स्पोर्ट एक्टिविटी ट्रैकिंग जो आपकी मेन प्रायोरिटी है देन आप कम प्राइस में रेडमी वॉच फाइव एक्टिव खरीद खरीद सकते हो छोटी डिस्प्ले है बट आपका जो मेन यूज है कि फिटनेस ट्रैकिंग स्लीप ट्रैकिंग वगैरह जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए देन ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्लस इसमें बैटरी बैकअप का अच्छा क्योंकि डिस्प्ले छोटी है तो दूसरी वॉच अगर तीन दो तीन दिन की बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है ये इजीली अगर आप स्लो ब्राइटनेस पे रखोगे तो सात टू आठ दिन जो है इजिली आपका जो है ये चल जाएगी इसके बाद इसका एक छोटा वाई भी है रेड भी वॉच थ्री एक्टिव वो खरीद सकते हो डिस्प्ले छोटी है बाकी यूआई वगैरह जो अंदर फीचर्स वगैरह वो ऑलमोस्ट सेम है बैटरी बैकअप में थोड़ा सा फर्क है इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि साइज छोटी है तो इसे भी आप जो हाँ है कर सकते हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों की प्राइसिंग में बट हाँ अगर आपको हंड्रेड टू थाउजेंड खरीदना है एक एक्यूरेट जो आपको फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह प्रोवाइड करे देन आप इसे जो है कर सकते हो ब्लूटूथ तो कॉलिंग का ऑप्शन आपको इसमें भी जो है वो मिलता है तो ये एक भी एक अच्छा ऑप्शन है दोनों को अपने साथ में ही रखा है इसके बाद सैमसंग गलेक्सी फिट थ्री पे अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं मोस्टली फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस रहती है बट अभी काफी कम प्राइस है बैंक डिस्काउंट के साथ और कम हो जाएगी तो अगर आपको इसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है जैसे कि रेडमी की जो है वो पहले एम एस फिटी बनाती थी तो उनकी आ, जो एक्यूरेसी है ठीक वैसे ही सैमसंग की एक्यूरेसी है तो आपको इसमें भी एक्यूरेस फिटिंग वगैरह मिले बाकी फीचर जो है ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं बजट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो ये भी आप जो है देख सकते हो रेडमी से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा आप सैमसंग गलेक्सी फीट थ्री जो है वो ख़रीदें क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बिल्ड इसकी अच्छी है कम्फर्ट तो इसका उससे थोड़ा सा जो है वो बेटर है बाकी दोनों खरीद सकते हो यू वगैरह जो है उसका ज़्यादा बेटर है रेडमी वॉच का उसके बाद अगर आपको कम प्राइस में ही खरीदना है वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करता कि आपको खरीदना क्योंकि ये सब कोई स्मार्ट वॉच नहीं है सही बात ही है कि खिलो नहीं है तो अगर फिर भी ख़रीदना है तो वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आई थिंक चार से पाँच हज़ार ऑप्शन आपको किस प्राइज में मिल जाएंगे बट फिर भी अगर दो तीन ऑप्शन जो है मुझे अच्छे लगते हैं जिनकी ब्रांड रेपुटेशन अच्छी है जिनकी आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी सी तो नॉइस वगैरह आप देख सकते हो नोइ कलर फिट आइकन है उसमें सेम सिमिलर नोइ क्रू है जो राउंड शेप में आता है और स्क्वायर शेप में आता है तो ये अभी आई थिंक वन थाउजेंड रुपीज़ के आसपास मिलता है इसमें भी सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं एक्यूरेसी भी आप ज्यादा इन पर मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते बट हाँ ठीक ठाक आपका जो है मतलब एक्यूरेसी आपकी मेन प्रायोरिटी नहीं है फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह तो आप इसे जो है वो कंसिडर कर सकते हो प्रीमियम सेगमेंट की वैसे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता आता है उस पर क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है बट हाँ एप्पल वॉच सीरीज़ नाइन पर अच्छा डिस्काउंट दे रही है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के कंपन में तो अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप इसे खरीद सकते हो है ना इसके अलावा वो सीरीज़ टेन में कोई ज़्यादा डिस्काउंट जब नहीं मिल रहा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सेल में इसे खरीदने का कोई चेंज जो है ज़्यादा बनता नहीं है वो चल्ट्रा पे अमेज़ोन अच्छा डिस्काउंट दे रहा है फ्लिपकार्ट के कंपेन में तो सेवेंटी थ्री थाउजेंड अगर आप बैंक डिस्काउंट लगा तो सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन थाउजेंड में अगर ये पड़ सकता है तो ये बहुत अच्छी डील है वो चल्ट रहा इस प्राइस पर क्योंकि इससे कम प्राइस में अभी तक ये खरीदने के लिए जो है वो नहीं मिला है तो ये इस प्राइस पर भी डेफिनेटली बहुत थीट है इसके अलावा पिक्सल वॉच थ्री की मैंने बात की थी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इस पर नहीं है बट हाँ पेन डिस्काउंट मिला लो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होता है बट ये है तो हर सेल में इसी प्राइज में जो है लास्ट सेल जो भी सेंट गया उसमें भी यही प्राइस में ये जब लॉन्च हुआ था तब भी इतनी कम प्राइस में ये मिल रहा था तो आप इसे भी जो वो देख सकते हो तो ये वो बेस्ट स्मार्ट वॉच के ऑप्शन थे जो आप अभी ऑन सेल में जो है वो खरीद सकते हो जो वैल्यू फॉर मनी डील है जो अच्छे ऑप्शन है वही मैंने आपको जो है वो इसमें रिकमेंड किया सभी की लिंक जो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में